खिलाफ लड़ता हूं और लड़ रहा हूं और हमेशा लड़ता रहूंगा। राजनाथ सिंह तो एक चेहरा है, मैं तो मोदी से लड़ रहा हूं, मैं तो अमित शाह से लड़ रहा हूं, मैं हर उस ताकत से लड़ रहा हूं जो इस देश को तोड़ना चाहती है। और मुझे यकीन है कि 23 मई को बीजेपी सरकार का अंत होना सुनिश्चित है। 23 मई भाजपा गई। अगर जो राजनाथ सिंह है तो होम मिनिस्टर है और बड़ा नाम है और तो बार बार मंगल में आते हैं, तो बोला है दूसरा बार हम मंत्री बनेगा, तो आप जीतेगा? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने इतना झूठ बोला है, देश के साथ धोखा किया है, देश के लोगों के साथ धोखा किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए इस देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब इस चुनाव में बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और मैं वेस्ट बंगाल की तमाम जनता से, बहनों भाइयों से, दोस्तों से, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और यहाँ की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को पूरी ताकत के साथ जिताएं, क्योंकि देश के अंदर अगर आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार जाए तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि राहुल गांधी की सरकार बने। क्योंकि अगर ममता दीदी 10-20 सीट लेके संसद में जाती भी हैं तो फिर उन्हें समर्थन तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। इसलिए बंगाल की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव नहीं है। इसलिए एक एक वोट कांग्रेस को जाए और कांग्रेस के कैंडिडेट जीतें और मोदी की सरकार का पतन हो। कि सर आपने बोला मेरा दिल ये कहता है जो दिल हो जाइए आप ये ज़रूर जीतेगा। हाँ, तो अब क्यों ये बोला? मेरा दिल कहता, मेरा अकीदा कहता, मेरी आस्था कहती है। दिलू दा जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सादा इंसान हैं, गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसा इंसान जीतना चाहिए जो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करता है, जो इस देश की एकता की बात करता है, वो जीतना चाहिए। इस देश के लिए दिलूदा का जीतना बड़ा ज़रूरी है और कांग्रेस की सरकार बनना बड़ा ज़रूरी है। आखिरी जो सवाल है महाराज जी, जो पहली बार तो बशीरहाट में आया है अपना, तो पहली बार आए थे कैसे लगा है? बशीरहाट बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं तो मोहब्बत का आदमी हूँ। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।